सत श्रीकाल जी, मैं हाँ तुहाडे नाल सोनू जांसला, तुसीं देख रहे हो प्रवासी चैनल। जिवें कि तुहानू पता ही है, करोना महामारी पूरे पंजाब दे विच अपना पैर पसारदी जा रही, और जिवें कि गल कर लईए बैडां दी, गल कर लईए वैक्सीन दी, गल कर लईए ते वेंटीलेटर दी, गल कर लईए सरकारां किसी पासिओं इदों फैल हुंदियां नज़र आ रहियां। जिथे आपां जीरकपुर दे विच खड़े हां, तुसीं मेरे पिछे देख सकदे हो अकाली दल दे नेता, श्रोमणी अकाली दल दे नेता एन के शर्मा जी ने अपने फार्म हाउस नूं कोरोना दा हॉस्पिटल बना दिता, और इतने 100 बैडा दा जो इंतजाम किया। उन्हां नाल गल करदे हां शर्मा जी नाल। शर्मा सर, सत श्रीकाल जी। सत श्रीकाल सर। इतने तुसीं अपने फार्म हाउस नूं, मैरिज पैलेस नूं, इतने 100 बैडा दा हॉस्पिटल बनाता, की देख के तुसीं उपराला कीता? ना जी, बहुत वड्डी महामारी दा रूप धार चुका है, पूरे हिंदुस्तान च करोना दा कहर जा रही है। आज दिल्ली च ना शमशान घाटा जिमगा मिल रही, ना अस्पतालों च बैड मिल रहे, ना वेंटीलेटर मिल रहे हैं, ना एंबूलेंस मिल रही हैं। एक एंबूलेंस दिल्ली तो 6 दिन पहला जीरकपुर आई थी, 55,000 रुपये चार्ज कराया उन्होंने, 3-3 किलोमीटर का 10-10,000 रुपया चार्ज कर रहे हैं। सो हुण जिहड़े भयानक गल ये कि झोपड़पट्टी है जो पिंडा च भी फैल रही है, ये मैं अपने वालों कुछ समाज सेवी संस्थावां अग्रवाल सभा, ब्राह्मण सभा, जैन साहब सारे के सपोर्ट के नाल जिहड़ा हॉस्पिटल 100 बैड का असी शुरू करिया, जिहदे च असी डॉक्टर भी रखे हैं, इत्थे नर्सिस रखियां, दवाइया फ्री दिती जाऊंगी, खाना पीना सारा कुछ फ्री करे जाऊगा। जे मान लो किसी घर च करोना हो गया, कमरे दोईया बेचारा अलग आइसोलेट नहीं हो सकता, उत्थे आके आइसोलेट हो सकता, किसी झोपड़पट्टी च कोई मरीज आ गया, हुण बाकियां नूं भी रिएक्शन होगा उहदा, उहनूं भी आपां इत्थे, क्योंकि सरकार वल्लों पूरे हल्के च कोई इंतजाम नहीं है, सो इत्थे आके उह आइसोलेट हो सकता, उसकी सारी टेक केयर, खाना पीना दवाइया सारा कुछ असी इत्थे फ्री करिया होया, उहदी पूरी टेक केयर करांगे। और जे कितें माड़ी मोटी ऑक्सीजन भी ड्रॉप होई, उहदा भी थोड़ा जिहा इंतजाम हैगा, ऑक्सीजन का साडे कोल बहुत लिमिटेड इंतजाम है, क्योंकि सरकार वल्लों सिलेंडर भी नहीं भरे गए, 10 सिलेंडर सीगे, वह बैकअप वास्ते 7-8 सिलेंडर जिहड़े वह रखे गए हैं। सो ये मैं क्लीयर कर दें कि आइसोलेशन वास्ते है, जिहड़े घरां च आइसोलेट नहीं हो सकते, जगह नहीं है, कुछ नहीं है, उन्हां वास्ते आ फ्लैटां च रहिंदे आ, PGI च रहिंदे आ, PG च रहिंदे आ, उन्हां नूं इत्थे आइसोलेट करन वास्ते जिहड़ा हॉस्पिटल आपां स्टार्ट करिया, सानू एक प्रॉब्लम जरूर है। थोड़े राही मैं बेनती करदा कि जे कोई भी संस्था सानू कोई कंसनट्रेटर या ऑक्सीजन दे सिलेंडर कोई प्रोवाइड कर सकती है, तो असीं जीरकपुर सारे इलाका निवासियों वालों उन्होंने धन्यवाद करांगे। सो उस वास्ते आइसोलेशन बैड असीं लाए। शर्मा सर, थानू नहीं लगता कि जिवें साल पहला कोरोना महामारी आई सी, सरकारां नूं पहला ही प्रबंध कर लेने चाहिए सी, हुण दोबारा फिर साल बाद फिर शुरू हो गया, और हुण बंप तो बंप फुट रहे हैं कोरोना दे, जिथे बैडां दी कमी ला लईए, बहुत ज़्यादा इदा दी कमियां ने वैक्सीन दी, ऑक्सीजन दी, और पंजाब दी गल की जे आपां मोहाली शहर दी गल करिए, हैल्थ मिनिस्टर बलबीर सिंह सिद्धू दी हैल्थ मिनिस्टर, उत्थे दे MLA भी ने, हैल्थ मिनिस्टर भी ने, उत्थे इन्नी घाट पै रही है बैडां दी और वैक्सीन दी ला लईए, तुसीं किस तरह देखदे हो कि हैल्थ मिनिस्टर दे एरिए दे विच इदां दा? देखो, बड़ी सीरीयस प्रॉब्लम है, अज पूरे जिले च सरकारी हस्पताल च कोई L2 बैड भी नहीं, L3 तो क्या, वेंटीलेटर तो कोई है नहीं, 40 वेंटीलेटर पे हैं, वो फंक्शनल नहीं हो सकते, क्योंकि मैन पावर नहीं भर्ती कर सके हेल्थ मिनिस्टर साहब। 100 बैडेड एक हॉस्पिटल है सरकारी मोहाली च, उत्थे 104 पेशेंट है, नहीं पूरे जिले च कोई भी नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी फेल हुई है, स्टेट गवर्नमेंट भी फेल हुई हैगी है। तुसीं देखो अज कहे जे माड़े हालात होए गए, जे किसी बैड की लोड़ आ, प्राइवेटां च भी नहीं मिलता, सरकारियां च भी नहीं मिलता, लोग मरण पर छुटे हुए हैं। सो मैं तो सरकार को बेनती करदा कि जिहड़ी संस्थावां हैगियां कम करना चाहुंदियां, साडे वर्गे समाज सेवी लोग हैगे आ, उन्हां नूं ले के घट तो घट पेशेंट 90% पेशेंट तो वैसे ही ठीक हो जाते, 95% उन्हां नूं आइसोलेशन की लोड़ आ, जे आइसोलेट ना कर सके, जिन्हां कोल 2-2 कमरे आ, झोपड़पट्टियां, तो इन्हें बीमारी ने बहुत ज़्यादा बढ़ना, होर फैलना हैगा। सो मेरी बेनती है भी समाज सेवी संस्थावां नूं नाल ले के तुसीं सेवा करो, ये जरूरी है, ये कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, और जो वो ऑर्डर जारी करते हैं वो ऑर्डर से आप भी पाबंद रहन। हुण पिछे बलबीर सिद्धू साहब ने ऑर्डर करते भी ब्याह 10 तो वध बंदे नहीं इकट्ठे हो सकते, ठीक है जी, जरूरी सीगा, पर आप 200 बंदे की बरात लेके जीरकपुर आ गए, उद्घाटन करन फिर तपे चले गए, मतलब थोड़े रिएक्शन नूं लोग वाच करते हैं। अज दुकानदार बहुत दुखी हैं, जे कोई माड़ा जिहा बोलता, अज जीरकपुर च पर्चा दर्ज करके एक दुकानदार नूं अंदर करता है। सो ये हालत सरकार लोगों की आवाज़ दबा रही है, सो इस तरह नहीं करना चाहिए, लोगों को सहयोग लेना चाहिए, ना कि धक्के उन्होंने दबाना चाहिए। सर, तुहाडी भी 10 साल सरकार रही है, तुसीं उस समय दे विच कितनी कु सेवा निभाई सी हॉस्पिटल दी, होर इदां दी? देखो हुण मैं गिणती करां तां बहुत वड्डी लाइन हो जाणी है, एम्स कौन लेके आया, बाल साहब लेके आया,
ਕਿੰਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਬਣੇ ਆ, ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣੇ ਆ, ਮੈਡੀਸਿਟੀ ਬਣੀ ਆ, ਟਾਟਾ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਰਗੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਏ ਆ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਆਏ ਆ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਹੁਣ ਸਵਾ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਤੀ, ਨਾ ਸੜਕਾਂ ਬਣ ਰਹੀ ਤੀ, ਨਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਬਣ ਰਹੇ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 290 ਉਹ ਤਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਮਹੀਨੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋਈ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਐਨਕੇ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 100 ਬੈੱਡ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਔਰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਥੇ ਫੈਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕਮੀ ਲਾ ਲਈਏ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਮੀਆਂ ਲਾ ਲਈਏ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਐਨਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 100 ਬੈੱਡਾਂ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਹੋਸਪਿਟਲ ਬਣਾ ਕੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੋਨੂੰ ਜਾਸਲਾ, ਦੇਖ ਦਿਓ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਚੈਨਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।